बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं जो है ना, आज आपके लिए सबसे जो है अच्छी क्रीम लेके आई हूँ, और बहुत ही कम प्राइस में। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी क्रीम्स का रिव्यू किया है, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इंग्रेडिएंट मुझे इसके अंदर मिला है। लेकिन जो है, मतलब हम लोग चीज़ लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं, उसके बारे में उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कमर्शलाइज ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ क्रीम्स के वो ज़्यादा बिकने लग पड़ती हैं, तो हम भी वही लेकर लगा लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर हो चुकी होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो मतलब चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट होती है, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर मेरे पास जी है केयर वैनिशिंग क्रीम है, फ्रूट विटामिन फॉर जेंटल केयर, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके अंदर जो इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आपको जो है छोटी पैकिंग 200 रुपये में, और बड़ी जो पैकिंग है इसकी वो आपको 300 रुपये में मिल जाएगी। ये यहाँ पे मेरे पास जो है ये 300 रुपये की मैंने ली है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जी न्यू फेयरनेस वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए कॉन्टेंट्स NMF नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर इसके अंदर जी मौजूद है, ठीक है। जो जहाँ जहाँ से इन्होंने हासिल किया वो भी निकल, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जी, इसके अंदर जी मिनरल्स मौजूद है, ऑर्गेनिक एसिड, अमाइनो एसिड, यूरिया, फ्री शुगर, और जो है जैसे कि आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर है विटामिन B3 भी है, वर्क फ्रॉम विद इन एंड हेल्प कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मेलानिन, ठीक है। ये हमारी स्किन के ऊपर जो है मेलानिन की मिकदार को बढ़ने से जो है रोकता है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो हमारी स्किन को फेयर कर देता है। यहाँ पे इधर विटामिन ई भी मौजूद है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमारे जो फाइन लाइन वगैरह होती हैं, डार्क सर्कल वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है उसके लिए भी अच्छी है, क्योंकि मोस्ट क्रीम ऐसी होती हैं कि जो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं तो हमारी उन जो मतलब आई एरिया होता है उसके ऊपर जो है लाइन बना देती हैं, तो ये ऐसा भी कुछ भी नहीं करेगी। इसके अलावा इसके अंदर ट्रिपल सनस्क्रीन भी मौजूद है, तो टू प्रोवाइड ट्रिपल प्रोटेक्शन टू द स्किन फ्राम UVA और UVB रेज, आपको पता है कि जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो यहाँ पे इन्होंने भी मेंशन किया है अमेजर काज ऑफ डार्क एंड प्रीमेच्योर एजिंग साइन, ठीक है, जिसकी वजह से एजिंग जल्दी आ जाती है और हमारी स्किन भी डार्क होने लग पड़ती है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको दिन में जो है ठीक है दिन में 2 दफ़ा लगा सकते हैं, और अपनी स्किन में जो है आपने जज कर लेना है। जो इसके अंदर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ मिली है, मैं अब आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है अल्फा हाइड्रोक्सी फ्रूट एसिड इसके अंदर मौजूद है। आपको पता है कि अब जो क्योंकि जैसे जैसे मतलब लोग रिसर्चेस हो रही हैं, या लोग अपनी स्किन के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करते जो नुकसान दे, वो ऐसी चीज़ यूज़ करना मतलब यूज़ करना चाहते हैं जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों, या जिसके ऊपर रिसर्चेस हों कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी AHA, आपको पता है कि जो मतलब डर्मोटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन केयर वाले होते हैं, वो लोग इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं। कि एक होता है जो फिज़िकल एक्सफोलिएटर होते हैं हम यूज़ करते हैं, स्क्रब वगैरह, जिनके अंदर जो है पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, कोई दाने वगैरह जो हम अपनी स्किन के ऊपर रब करते हैं, तो वो हमारी हम अपनी स्किन की डेड स्किन को इस तरह मतलब उतारते हैं, तो वो जो होते हैं वो उनके नुकसान भी होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रब यूज़ करते हैं, या ज़ोर से स्क्रब को यूज़ कर देते हैं, तो या आप जो है मतलब वीक में ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं या मंथ में, तो वो आपकी जो स्किन का टेक्सचर होता है उसको ख़राब कर देता है, जो आपकी स्किन की अपर लेयर होती है उसे डैमेज कर देता है। लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जो है ना, ये होते हैं ना केमिकल एक्सफोलिएटर, ये आपकी स्किन के ऊपर जस्ट आप लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो ऊपर वाली डेड स्किन की लेयर होगी ये सिर्फ उसी एक्सफोलिएट करेगा, और विदाउट मतलब विदाउट जो है ना किसी भी डैमेज पहुँचाए बाहर, ठीक है, आपकी स्किन को। एक्सट्रैक्ट फ्राम द फ्रूट सच एज ग्रीन एप्पल एंड लेमन टू हेल्प योर स्किन, मतलब या मतलब जो सब्ज कलर का सेब होता है उसमें से, और लेमन में से जो इसका जो है हमने इन्होंने एक्सट्रैक्ट यूज़ किया, ठीक है। और ये इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है कि जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि आपकी जो नए पोर्स होते हैं स्किन के, और मतलब स्किन बन रही होती है, उस प्रोसेस को जो है फास्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ऊपर से स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी तो जो नई स्किन निकलेगी वो जो है मतलब वो स्मूथ भी होगी, और उसके ऊपर जो है डलनेस वगैरह भी कम मतलब जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मिल्क प्रोटीन ड्राइव फ्रॉम मिल्क टू रिटेन द स्किन मॉइस्चराइजर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है
मतलब एंटी एजिंग के लिए इसके अंदर मिनरल प्रोटीन भी शामिल है कि आपकी जो स्किन की एजिंग होती है उसको भी ये ताकि जो है स्लो कर देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की जो आपको पता है एक्सफोलिएट जो होता है ना, मैंने आपको बता दिया कि आपके अपर जो स्किन की लेयर होगी उसको एक्सफोलिएट कर देगा, कोई नुकसान पहुँचाए बैर। इसके अलावा आपकी स्किन को के ऊपर जो स्कार्स वगैरह होते हैं दानों के या पिगमेंटेशन वगैरह उसको भी जो है लाइट करेगा। इसके अलावा जो है आपकी डलनेस होती है उसको भी रिमूव करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो है ब्राइटनेस इफेक्ट देगा बहुत जल्दी, ठीक है। आपकी स्किन को स्मूथ टेक्सचर भी देगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा और जो आपकी एजिंग की साइन है उन्हें भी ख़त्म करेगा। अब आप देखें 300 या 200 रुपए की क्रीम में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मौजूद है। फाइन लाइन, इवन स्किन टोन या रफ स्किन का भी मसला आपको जो है, या एक्नी स्कार, हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह का मतलब आपके जो मतलब वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं अनक्लॉग पोर्स को भी या ब्रेकआउट को भी जो है ये ठीक करता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेशक आप जो है नेट पर जाके ये सर्च भी कर सकते हैं कि ये एक केमिकल एक्सफोलिएटर है जो नेचुरल मतलब सोर्स से हासिल किया जाता है जैसे कि फ्रूट, शुगर और मिल्क वगैरह से, और ये हमारी स्किन के ऊपर जो है मतलब बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। एसिड्स आपको पता है कि कुछ लोग एसिड का नाम सुनते ही जो है डर जाते हैं, तो बहुत से एसिड जो हैं हमारी स्किन के लिए फ़ायदा मंद होते हैं और जो है विदाउट साइड इफेक्ट, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर और भी जो कुछ मैंशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड आयल फ्री क्रीम इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, ठीक है, कि ये आपकी मतलब कोई भी स्किन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, स्किन टाइप आपकी कुछ भी हो। और यहाँ पे फिर उन्होंने ये लिखा है कि इसके अंदर नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर भी मौजूद है और जो है यहाँ पे इन्होंने ये एक इट्स यूनिक फेयरनेस सिस्टम गिव्स इवन टोन फेयरनेस, वही फिर इन्होंने मेंशन किया कि ये फेयरनेस देगा, डिस्कलरेशन को कम करेगा और नेचुरल स्किन को ग्लो देगा और इसके अलावा जो है और जो हमारे इर्द गिर्द कम होली आती है आलूदगी होती है उसकी जो उसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज और डल हो जाती है उसको भी ख़त्म करेगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जस्ट फोर वीक यू लुक, मतलब यहाँ से इससे लेकर यहाँ तक आपके कलर में फ़र्क आया होगा, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो है काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। और जो है रेगुलर यूज़ करने पर, क्योंकि जो भी अगर आप जो है कोई फार्मूला क्रीम लेते हैं तो वो तो बहुत जल्दी आपकी स्किन के ऊपर फ़र्क डालती है और फिर सत्यानाश कर देती है, तो कोई भी आप जो है नेचुरल इन्ग्रीडियंट यूज़ करेंगे या अच्छी चीज़ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को स्लो स्लो ठीक करेगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट क्रीम है और अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे लें और यूज़ करें। और जो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जो है ये इतनी मैंने जो है मैक्सिमम यूज़ कर ली है ये, ठीक है, आपको नज़र भी आ रही होगी। और जो है थोड़ा बहुत जो है आपकी स्किन के ऊपर वाइट कास्ट भी छोड़ दी और इतनी ज़्यादा नहीं कि नज़र आए, जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर और जो है एक मतलब आपको मॉइस्चराइजिंग मतलब फील होती है कि आपकी स्किन के जो मतलब इसे लगाने के बाद कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं ना जो लगाने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, स्किन ड्राई नहीं होती बल्कि मॉइस्चराइज रहती है। और जो है मेरे ख्याल से तो ये एक बेस्ट क्रीम है। और यहाँ पे इन्होंने इसकी शेल्फ लाइफ भी लिखी हुई है कि जहाँ पे इसकी एक्सपायरी मेंशन है, ये यहाँ पे इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, ठीक है, और ये 70 ml है, ठीक है, और ये मुझे मिली है 300 की। तो आप जो है लें और लगाएं, या जिसने यूज़ किया तो वो भी मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं कि उनका एक्सपीरियंस इस बारे में कैसा रहा है, ये उनको ये रिज़ल्ट किस तरह के मिले हैं, ताकि जो और लोग देखें उन्हें भी जो है फ़ायदा हो। और इसके अलावा जो आप लोग अगर यूज़ करें तो उसके बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं जो है आपके लिए बहुत सी रिसर्चेस करके वीडियो बनाती हूँ तो हमारी भी हौसला अफजाई होती है, और क्योंकि मेरा चैनल अभी नया नया है और ग्रो कर रहा है, तो प्लीज़ इसे ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।